नाती की बर्थडे पार्टी में शामिल होकर वापस घर लौटने के क्रम में कार दुर्घटना में नाना की गई जान, नानी की हालत गंभीर। झारखंड के पलामू जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई, जहां कार दुर्घटना में एक वृद्ध व्यक्ति की जान चली गई। वो बहुत ही उमंग के साथ अपनी नाती का बर्थडे मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ बेटी के घर आए थे। वो अपने नाती के सफलपूर्वक बर्थडे भी मनाए, लेकिन वापस घर लौटने के क्रम में कार अनियंत्रित होकर खेत में उतर जाने के कारण कार में दुर्घटना में की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। आइए जानते हैं पूरी खबर को। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जुगियाही मोड़ पर एक कार के अनियंत्रित होकर खेत में उतर जाने के कारण उस पर सवार एक वृद्ध की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। महिला को MRMCH में भर्ती कराया गया, उसे रांची रिम्स रेफर करने की तैयारी चल रही थी। इस घटना में कार चालक बाल बाल बच गया। मृतक की पहचान गढ़वा जिले के नवगढ़ा मोहल्ला निवासी विजयराम के रूप में हुई है, जबकि उसकी पत्नी सावित्री देवी है। चालक की पहचान अक्षयपाल के रूप में हुई है। बताया जाता है कि विजयराम उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडालको के कर्मी रह चुके थे। शनिवार को विजय पत्नी के साथ मेदनी नगर के बारालोट गुरियाही में दामाद आशीष कुमार के घर आए हुए थे। रात में नाती की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए। रविवार की सुबह करीब 9 बजे नाश्ता करने के बाद विजय पत्नी और ड्राइवर के साथ गढ़वा घर जा रहे थे। चालक के अनुसार विजय ने शराब पी रखी थी। जुगियाही मोड़ के पास विजय ने कार की स्टेयरिंग दूसरी दिशा में मोड़ दी, जिससे अनियंत्रित होकर कार सड़क किनारे खेत में उतर गई। सूचना पर पहुंची चैनपुर थाना पुलिस दुर्घटना कार को जब्त कर थाने ले गई।